इसको याद करते हुए हम सारे शुहदा के लिए दुआ भी करते हैं और अपनी कमिटमेंट कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया भर के वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो कश्मीरी और पाकिस्तानी रहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। वो 1931 वाले शुहदा जो श्रीनगर के अंदर उनसे लेकर कल तक जो जिस नौजवानों को शहीद किया गया है ये सारे हमारे शुहदा हैं जिनका ये खून जो है वो इस मोदी और इसकी जो रेजीम है उनके हाथ से रंगा हुआ है। ये हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी मोदी भी सुन ले। हम यहाँ इंडियन हाई कमीशन के बाहर अपने मोहसिन, अपने शहीद कश्मीरी शहीद बुरहान वानी की शहादत की आज बरसी है और आज हम वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अब अपने शहीद अपने मोहसिन की बरसी मना रहे हैं और इंडियन हाई कमीशन के बाहर इन जालमों ने जिस तरीके से बेदर्दी से हमारे शहीदों हमारे लोगों को शहीद किया कश्मीरियों को, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहे। आज बुरहान वानी शहीद की 5वीं बरसी है और हम समझते हैं कि हर कश्मीरी और पाकिस्तानी का फ़र्ज बनता है कि वो आज इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज भेजें कि कश्मीरियों तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बुरहान वानी, बिकॉज़ बुरहान वानी वाज द पर्सन राइट हु हाइलाइटेड कश्मीर इशू इंटरनेशनली। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हाना अली एंड आई एम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर तरीके कश्मीर। I'm here for on Bran Vamani Day and we are standing in front of the Indian embassy and the reason is that we actually want to show them some solidarity with all the shaheeds who have actually died for the Kashmir cause. Today is the 5th anniversary of Bran Vani and he was only 22 years old when he gave his life for Kashmir. On social media not many people are actually using his name, especially on Facebook, and the reason is that when you use the Bran Vani his pictures or his name on Facebook, your accounts are getting suspended. On Twitter you can use his name in Facebook but not too much, so this shows that at the moment even the social media is actually with India. लेकिन जी आज हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान हाई कमीशन के बाहर एक दफ़ा फिर अपना भरपूर एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए फिर से जमा हुए हैं। आज जो शहीद बुरहान की बरसी है जिसने अपने अजीम साथियों के साथ अपनी जानों का नजराना दिया, लिहाजा हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ आज भी वही है कि कश्मीर पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौतेबाजी नहीं। अगर तो जैसा कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि अमन है तो हम अमन के साथ हैं, अगर जंग है तो हम जंग के साथ हैं। हम हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ के साथ चलेंगे, जो भी कश्मीरी कहेंगे हम कश्मीर के साथ हैं, लिहाजा एक दफ़ा फिर कश्मीर पर कोई समझौता नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर हमारे साथ रहेगा, कश्मीर की आज़ादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम कश्मीरियों के साथ हैं। आज बुरहान वानी की बरसी है, हम इंशाल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे। आज 5वीं बरसी है हमारे शहीद भाई बुरहान वानी की और इंशाल्लाह हम जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होती हम आते रहेंगे इसी तरह। हमारा आजादी, हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी।